प्रेशर के अंदर तीन वेसल्स हैं, इन तीन वेसल्स के अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डाल दिया। अगर मेरे को क्वेश्चन में ये गिवन होता ना कि हाइट तीनों लेवल्स हाइट जो है वो तीनों की सेम है, तो मेरा प्रेशर बेस पे एच रो जी हो जाता। उसने हाइट तो दी नहीं, उसने कहा मैंने सेम वॉल्यूम लिक्विड डाल दिया तीनों वेसल्स के अंदर, और मेरे से क्या पूछ लिया, फोर्स ऑन दी बेस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो किसकी ज़्यादा फोर्स है ये बताई जाए। तो मैं क्या करूँगा, देखो जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे, हमने रादर बनाया भी था और हमने ऐसा डिस्कस किया था जब वेसल्स इस तरीके से होती हैं तो ये पूरा वेसल का ये फोर्स है और इस तरीके से इसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आपस में कैंसिल कर जाते हैं, वर्टिकल कॉम्पोनेंट सारे के सारे ऊपर एक्ट करेंगे और ऑब्वियसली वो फ्लोर के ऊपर कुछ प्रेशर या फोर्स नहीं लगाने वाले, रादर रिड्यूस ही करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो, इसमें वर्टिकल के अंदर तो कोई फोर्स बनने वाली है ही नहीं, और अगर आप इसकी बात करते हो तो इसके अंदर जो नेट फोर्स है एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो वर्टिकल फोर्सेस कहाँ आएंगी, डाउनवर्ड्स। तो एक तो इसका खुद का अपना वेट है, ऊपर से वर्टिकल फोर्सेस का सिग्मा एन वी डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स कहाँ आएगी, डाउनवर्ड। तो उस वेसल में ज़्यादा फोर्स लगेगी एज कम्पेयर टू रेस्ट। तो समझ में आ रहा है, तो जहाँ पर सिग्मा एन वी ज़्यादा होगा, अगर ऊपर है तो कम लगेगी, नीचे है तो ज़्यादा लगेगी। तो कैसे सोचना, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बैरोमीटर है, बैरोमीटर याद है, एक बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, हमने लास्ट टाइम किया भी था, टॉर्सली ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या था, ये बैरोमीटर है, मरकरी है, मरकरी नीचे गिरती है 76 सेंटीमीटर पर आके रुक जाती है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो वेट है, नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे गिरने से रोकता है और एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है जब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाता है, बात खत्म। तो ये बैरोमीटर का प्रिंसिपल था, और बाय डिफॉल्ट कहीं भी आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे एटमॉस्फेयर में तो ये 76 सेंटीमीटर की हाइट आती है। अब क्वेश्चन ये है, एक बैरोमीटर अगर रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है और लिफ्ट पे पड़ा हुआ है, लिफ्ट रेस्ट पे है, तो हाइट ऑफ ये जो लिक्विड कॉलम आती है वो 76 सेंटीमीटर आती है। अगर ये बैरोमीटर ऊपर मूव करता है, मींस एलिवेटर ऊपर मूव करता है और विद इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड बढ़ा रहा है, एक्सलरेट कर रहा है ऊपर, तो ये लेवल 76 सेंटीमीटर से क्या होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, ये क्वेश्चन है। कितने लोगों को बात समझ में आती है कि नीचे होगा, नीचे होगा, क्यों नीचे होगा, क्योंकि ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट बढ़ जाएगा, एम इन टू जी प्लस ए हो जाएगा, वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया तो डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो कोई चेंज है नहीं, हमने एटमॉस्फेयर को तो छेड़ा नहीं है, तो ये वाला भार बढ़ गया तो ये लेवल नीचे गिरेगा, ये वीक रह गया, ये स्ट्रांग हो गया तो नीचे गिरेगा, और आपकी हाइट क्या होगी, लेस देन 76 सेंटीमीटर हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो अगर आपकी लिफ्ट नीचे ऊपर एक्सेलरेट करेगी, इसका वेट बढ़ने के चक्कर में लेवल नीचे गिरेगा, ये पहला आंसर है। लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया, बैरोमीटर को फिर से एक एस्केलेटर में डाल दिया और एक्सेलरेटिंग फिर से अपवर्ड, ऊपर जा रहा है बैरोमीटर लिफ्ट के अंदर, ऊपर जा रहा है और हाइट कितनी नजर आ रही है 76। अब वो कह रहे हैं द एयर प्रेशर इन द एलिवेटर इज व्हाट, कितने लोगों को समझ में आता है ग्रेटर देन 76। लेकिन इस बार एस्केलेटर फिर से ऊपर ही जा रहा है, इस बार भी नहीं, ये क्वेश्चन आंसर आप ऐसा करो, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, हाइट 76 है, एक्सेलरेटेड लिफ्ट में हाइट गिर जाती है, जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होती है तो हाइट गिर जाती है, तो इसका मतलब कि अगर लिफ्ट ऊपर चल रही है
और चलती हुई एक्सेलरेटेड लिफ्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाइट 76 है, तो रुकी हुई लिफ्ट में तो हाइट पक्का है क्या रही होगी, ग्रेटर देन 76, क्योंकि एक्सेलरेट करने पर 76 से गिरेगी, एक्सेलरेट करती हुई लेवल नीचे गिरता है, और ये तो एक्सेलरेट करते हुए की रीडिंग है 76, तो जब ये लिफ्ट रुकेगी तो ऑब्वियसली आपकी हाइट जो है 76 सेंटीमीटर से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रहेगा। बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, उसमें रेस्ट पे पड़ी हुई है तो 76 है, एक्सेलरेटेड में 76 से कम है, इसमें एक्सेलरेटेड में 76 है तो रेस्ट पे ऑब्वियसली 76 से ज़्यादा ही प्रेशर रहा होगा। ठीक है यहाँ तक, तो बिल्कुल उल्टे क्वेश्चन पूछ लिए, एक सीधा और एक उल्टा, समझ में आ रहा है कैसे आंसर ढूंढना है इसका। एच रो जी से भी कर सकते हैं, जी प्लस ए, प्रेशर बढ़ जाएगा एटमोस्फेरिक तो जिस वजह से इसका लेवल उठ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए थे, हमने एक कॉन्सेप्ट किया था जिसमें ना सिग्मा और एनवी का कॉन्सेप्ट था, सिग्मा एनवी, मतलब कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो वॉल्स है ना, ये जो वॉल्स हैं लिक्विड वॉल्स के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। हमने लास्ट टाइम इसकी सिर्फ थ्योरी की थी जिसमें ये डिस्कस किया था कि ये फोर्स ले लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट का सिग्मा एन ऑफ वी ले लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में अगर आया, ऑब्जेक्टिव आएगा नॉट फॉर एनसीईआरटी, तो कैसा आएगा क्वेश्चन, ऐसा आएगा वो कहेगा कि मान लो एक ना कोन है, कोन टाइप फिगर है, इसके अंदर लिक्विड है और मैंने इसको उल्टा करके टेबल पे रख दिया, लिक्विड कोई बाहर निकल नहीं रहा, मान लो इस बिल्कुल इसके अंदर भरा पड़ा है लिक्विड। क्वेश्चन है शो दैट द रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट, वर्टिकल थ्रस्ट क्या होता है, वाई एक्सिस में थ्रस्ट मतलब फोर्स, शो करो जो नेट फोर्स है वर्टिकल की तरफ इज 2/3 दैट ऑन दी टेबल, तो वो फोर्स किसके इक्वल है, 2/3 है जो टेबल के ऊपर फोर्स लग रही है। अच्छा तुम उसको भी छोड़ो, तुम सिर्फ ये बताओ इस वॉल के ऊपर, टेढ़ी वॉल के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, बस ये बता दो। इस टेढ़ी वॉल की फोर्स निकालने का तरीका लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये रही फोर्स, इसके कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट सारे मिलके नीचे 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 की तरफ होंगे, तो सिग्मा ऑफ एन वी कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टोटल पानी का पूरा वेट भी कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड में क्या है, सिग्मा एन वी भी डाउनवर्ड है, वेट भी डाउनवर्ड है, ऊपर की तरफ क्या है, जो बेस के ऊपर फोर्स लग रही है वो कहाँ है, एन वन कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, जो फ्लोर के ऊपर फोर्स लग रही है एन वन वो ऊपर की तरफ है, और क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्स में एन वन है, डाउनवर्ड में सिग्मा एन वी और एम जी है। तो आपको इस दीवार के ऊपर, इस स्लांट हाइट के ऊपर जो टेढ़ी वॉल्स हैं उसके ऊपर फोर्स निकालनी है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, दे विल कैंसिल ईच अदर, तो वर्टिकल फोर्स क्या होगी, एन वन माइनस एम जी। एन वन कहाँ पर फोर्स है, फ्लोर के ऊपर, फ्लोर का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी एच, तो क्या होगा प्रेशर इंटू एरिया, एच रो जी इंटू एरिया क्या होगी इसके ऊपर, फोर्स एन वन की वैल्यू आ गई, तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स आ गई, और यहाँ पर वेट क्या है पूरे लिक्विड का, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इंटू जी। यहाँ तक क्लियर है, तो वेट की जगह वेट पुट कर लिया और प्रेशर इनटू एरिया फोर्स की वैल्यू एन वन की वैल्यू आ गई, इन्हें माइनस करके ये टर्म आ गई, ये टर्म में क्या हुआ पाई आर स्क्वायर ग्राउंड का बेस का एरिया है, और एच रो जी क्या है पूरा प्रेशर है, तो बेस के ऊपर प्रेशर क्या है, बेस का प्रेशर इनटू बेस का एरिया, तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ बेस इनटू बेस का प्रेशर इज थ्रस्ट ऑन दी बेस। तो हमारी साइड वॉल्स के ऊपर जो थ्रस्ट है या फोर्स है सिग्मा एन वी वो 2/3 दैट ऑफ थ्रस्ट ऑन दी बेस है, और यही मुझे क्या करना है प्रूफ करना है कि प्रूफ करो जो साइड वॉल्स हैं उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 2/3 है, जितनी फोर्स कहां पर लग रही है इसके बेस पे लग रही है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन इसके बाद चेंज कर दिया गया, वो कह रहा है क्वेश्चन में इस बार फिगर ही चेंज कर दो, इस बार क्वेश्चन के अंदर एक हेमिस्फीयर को भर के उल्टा टेबल पे रख दो। तो इस बार मैंने हेमिस्फीयर को भर के टेबल पे उल्टा रख दिया, ऐसा रख दिया, और मुझे इस बार प्रूव करना है कि जो वॉल है कर्व्ड वॉल्स हैं इसकी जो नेट फोर्स है वर्टिकल थ्रस्ट है वो 1/3 ऑफ थ्रस्ट ऑन द टेबल है। पिछले क्वेश्चन में 2/3 प्रूव करना था, इस क्वेश्चन में 1/3 प्रूव करना है।
तो रूल वही रहेगा, आप फिर से ये इसकी नेट फोर्स लेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सारे वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, सिग्मा एन भी कहाँ होगा, नीचे, वेट भी कहाँ पर है, नीचे, एन वन कहाँ पर है, ऊपर, तो फिर से इक्विलिब्रियम की सेम कंडीशन आ गई जो भी कोन में बनी थी, सिग्मा एन वी निकालना है, एन वन की वैल्यू क्या है, बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी क्या है, आर, हाइट भी आर है, हेमी स्क्वेयर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, रो जी में एच की जगह क्या पुट करेंगे, आर, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, एन वन, और वेट क्या होगा, इस हेमीस्फेयर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वेट ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करके माइनस करेंगे, माइनस करके ये टर्म आएगी, आर क्यूब को दो बार लिखेंगे, आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर क्या आएगा, बेस का एरिया, और आर रो जी, आर रो जी, आर हाइट है, क्या आएगा, बेस के ऊपर प्रेशर, बेस का प्रेशर इंटू बेस का एरिया इज थ्रस्ट ऑन द बेस, तो मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, जब भी आपको वर्टिकल फोर्सेस निकालनी है तो कैसे इक्विलिब्रियम बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक, तो इस टाइप की प्रॉब्लम है, ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आई आई हुई है कॉम्पिटिशन में, और इसको एक बार जरा देखो क्या क्वेश्चन है और आपको क्या फोर्स निकालनी है तो सिर्फ एक लाइन की, अगर आप इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो ये है क्या चीज, निकालना क्या है, तो क्वेश्चन है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन इज ऑफ रेडियस आर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, वो कह रहे हैं एक सिलेंडर है, ये ऐसी फिगर है, ये ऐसी फिगर थी, ये सिलेंडर था जिसका रेडियस आर है, इसमें से एक हेमिस्फेयर को काट दिया और फेंक दिया, ये हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर को काट दिया और फेंक दिया, तो ये बीच में कैविटी हो रखी है, नीचे से गोल है, खाली है पोर्शन, और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट एच है यहाँ से, और धागे से टांगा हुआ है, और डेंसिटी जो है वो रो है, रदर आपको इसका तो मास भी गिवन है, बचे हुए पोर्शन का, रिमेनिंग पोर्शन का मास और वॉल्यूम दोनों दे दिया, आपको निकालना है, इसको स्ट्रिंग से लटका दिया, आपको ये बताना है हाउ मच फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंड्रिकल एक्सपीरियंस बाय द लिक्विड, ये जो बॉटम देख रहे हो इस पूरी फिगर का बॉटम है, बॉटम पे लिक्विड क्या फोर्स लगाएगा ये मेरे को आपको बताना है, बॉटम के ऊपर फोर्स का नाम क्या है, अपथ्रस्ट है तो क्या मुझे इसमें अपथ्रस्ट निकालना है, नहीं निकालना, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है जो आप डेरिवेशन आज पढ़ के आए हैं, अपथ्रस्ट की डेफिनेशन याद करो, अपथ्रस्ट ये नहीं थी, एक बॉडी के नीचे की फोर्स को अपथ्रस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते थे, एक फोर्स ऊपर से और एक फोर्स नीचे से, नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स के डिफरेंस को आप थ्रस्ट बोलते हैं, और यही कॉन्सेप्ट है इसमें, इसमें क्या कर रहा है, नीचे से फोर्स एफ, ऊपर से फोर्स एफ टू है, नीचे की फोर्स बड़ी होती है ऊपर की फोर्स से, आर्कमिडीज का प्रूफ करके आए हैं, तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स का डिफरेंस इज अप थ्रस्ट, अब आपको एफ निकालना है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि ऊपर की फोर्स निकालनी है तो पक्का अप थ्रस्ट होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर नीचे की फोर्स बोल रहे हैं तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज अप थ्रस्ट, और अकेली नीचे की फोर्स अगर निकालनी है तो अप थ्रस्ट होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और बॉडी तो सेम ही है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये अप थ्रस्ट की डेफिनेशन है, और एफ टू की वैल्यू क्या है, ऊपर से फोर्स क्या लग रही है, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और प्रेशर कितना लग रहा है, एच रो जी, तो क्या करेंगे इसमें, प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे, तो F2 की वैल्यू आ गई, ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर मिलने वाला है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ऊपर की फोर्स और अपथ्रस्ट में डिफरेंस है, क्योंकि अगर वो ऊपर की फोर्स पूछ रहा है तो पक्की बात है, अदरवाइज तो अपथ्रस्ट भी पूछ ही सकता था, ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये रहा दो बार जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको दो बार मिलेगा ऐसा PYQ, इसको एक बार कर लो,
क्वेश्चन ये है कि आपके पास, देखो नॉर्मली हमने एक क्वेश्चन किया था, याद होगा यूट्यूब वाला, यूट्यूब में हम हमेशा ऐसा करते थे कि लेफ़्ट की साइड भी लिक्विड है और राइट की साइड भी लिक्विड है, तो ये लिक्विड इतना है, ये लिक्विड इतना है, तो और इक्विलिब्रियम में एच रो जी इस लिक्विड का, एच रो जी इस लिक्विड का इक्वेट करके हमारा आंसर आ जाता था, क्योंकि इक्विलिब्रियम की पोजिशन हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, जो ट्यूब है वो यू की फॉर्म में नहीं है, वो सर्कुलर ट्यूब है। तो ये जो ट्यूब है वो सर्कुलर ट्यूब बना दी, तो ये आपके सामने है, और इसमें दो किस्म के लिक्विड डाल दिए जिसमें रो वन इज ग्रेटर देन रो टू। तो ये वाला लिक्विड देख रहे हो, ये रो वन है, और जहाँ ये ब्रेक हो रहा है, जहाँ ये लाइनें चेंज हो रही हैं, वहाँ ये रो टू लिक्विड है, मतलब इसके ऊपर रो टू है, इसके नीचे रो वन है। तो अब मुझे ये पता लग रहा है कि रो वन भारी लिक्विड है, क्योंकि रो वन की डेंसिटी रो टू से बड़ी है, तो ये भारी लिक्विड है, तो ये इधर को आ गया, और हल्का लिक्विड थोड़ा ऊपर उठ गया, तो ये अनइक्वल हो गए लेवल्स में। क्योंकि अगर ये एक किस्म का लिक्विड होता तो दोनों के लेवल दोनों तरफ सेम होते, पर क्योंकि ये अनडेंसिटीज डिफरेंट हैं तो ये आगे पीछे हो गए। अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि ये थीटा 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 आर 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 सब गिवन है आपको, आपको ये बताना है इस डायग्राम को देखते हुए कि टैन थीटा की वैल्यू इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऑप्शन देख के कुछ निकालूँ, आप कुछ ना निकलेगा, तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि राइट और लेफ्ट का एच ओ जी इक्वल करना है, बात खत्म, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। तो तुम एक काम करो, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये करो, आप ये देखो ये लिक्विड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैंने एक लाइन खींच ली, ये ऐसी लाइन है। ये लाइन इसलिए खींची क्योंकि इसके नीचे जो लिक्विड देख रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी है, रो वन है। तो आपको इसको कंसिडर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा? क्योंकि अगर आप इसको कंसिडर करते भी हो तो लेफ्ट साइड पे एच रो जी और राइट साइड पे एच रो जी आपस में क्या हो जाता है, कैंसल, क्योंकि यूनिफॉर्म है दोनों तरफ से हाइट। तो क्या फ़ायदा, मैं इधर भी एच रो जी लूँगा, मैं इधर भी ऐड करूँगा, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो पहला कॉन्सेप्ट ठीक है लेने को, तो मैं ये भी ग्राउंड ले सकता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ अननेसेसरी है ना, एच रो जी दोनों में बराबर है, क्योंकि ना तो रो चेंज हो रहा है, ना एच चेंज हो रहा है, ना जी चेंज हो रहा है, इसको छोड़ दो। मेरा क्वेश्चन इसके ऊपर से स्टार्ट है, लाइन के ऊपर से, इस लाइन के ऊपर से, इस वेसल में बस इतना ही लिक्विड है, बस इतना है, और इसके अंदर इतना लिक्विड है जो मैं यहां दिखा रहा हूं, ये पूरे का पूरा लिक्विड है। तो अगर मैं इसकी हाइट बता दूं आपको, वर्टिकल हाइट, और अगर मैं इसकी वर्टिकल हाइट बता दूं तो एच रो जी यहां का और यहां का इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। अब हाइट निकाल लेते हैं, अगर ये आर है, ये थीटा है, तो वर्टिकल हाइट राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बनेगी, आर साइन थीटा। तब चेक कर सकते हो इसमें साइन थीटा से एच बाई आर, तो एच की वैल्यू आर साइन थीटा। उसी तरीके से इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आर है, तो ये क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, तो मैंने लगा लिया आर कॉस थीटा। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये ले लेना है, ये लेना है, तो ये आर कॉस थीटा। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये लेना है, तो आर साइन थीटा। तो ये हाइट तो आ गई आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। अब मेरे को कौन सी हाइट निकालनी है, सिर्फ ये छोटी सी हाइट निकालनी है। इस छोटी हाइट के लिए यहां से लेके यहां तक की हाइट तो आपको पता है कितनी, आर कॉस थीटा। इसमें से अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतनी हाइट निकाल दो, बस इतनी, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट क्या आएगी, आर साइन थीटा। इस छोटे ट्राइंगल में साइन थीटा इज दिस अपॉन आर, तो दिस इक्वल टू आर साइन थीटा। ये टोटल हाइट किसके इक्वल है, आर कॉस थीटा। ये छोटी हाइट किसके इक्वल है, आर साइन थीटा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। तो बस ये मैथ्स है। अब एच ओ जी लगाते हैं, लेफ्ट साइड पे हाइट पता लग गई, लेफ्ट का प्रेशर क्या होगा, एच, एच की जगह पूरी की पूरी हाइट इंटू डेंसिटी रो वन इंटू जी, और राइट साइड पे क्या होगी, हाइट आर कॉस थीटा इंटू रो टू इंटू जी प्लस आर साइन थीटा इंटू रो टू इंटू जी। ये रहा, तो मतलब ये भी रो टू लिक्विड है, तो एच रो जी इन दोनों को ऐड कर लिया, और इधर से इसको ऐड कर लिया एच रो जी, इन दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया। क्या स्टेप क्लियर है, फिजिक्स सिर्फ यहाँ पे है, ये मैथ है, हाइट्स निकालना तो आपका काम है मैथ्स में, एच रो जी मेरा काम है, फिर मैथ्स है, क्योंकि अब तो आंसर निकालना है आपको, ओपन करते रहो बैठ के, कैंसिल करके ये आपके पास सिंप्लीफाई रो टू कॉमन आ जाएगा, रो टू बाई रो वन की रेशियो आ जाएगी। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर लेना, ये वन ये टेन थीटा, ये वन टेन थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर निकाल लेना। यहाँ पर ना कुछ करेक्शन है, यहाँ पर प्लस है शायद, कुछ आएगा, कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से यहाँ, हाँ यहाँ पे ये प्लस है,
ये नहीं, एक मिनट, रो टू कॉम, यार ये इसके बाद तुम खुद कर लेना, यहाँ पे प्लस आएगा इतना मुझे पता है, क्योंकि आंसर मैंने करेक्शन की थी, मैंने सॉल्यूशन में करेक्शन नहीं की, तो इसकी करेक्शन खुद कर लेना, यही आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं। पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है क्या करना है? इस ये लिक्विड नंबर 1 है, इसकी डेंसिटी रो 1 है, और अगर तुम्हें ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी डेंसिटी है, तो भारी लिक्विड है वो रो 1 है, गिवन है रो 1 भारी है, तो वो ये रो 1 होगा, ये रो 2 होगा, ऐसे। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, और ऐसे क्वेश्चन 2 बार कम से कम आए हुए हैं, 2 भी को 3 भी आए, 2 3 बार आए हुए हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है फिगर चेंज कर करके, तो ज्योमेट्री लगा के आपको एचलॉजी का कॉन्सेप्ट करना है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हमने करना है, इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करने हैं हमने, और दैट्स इट, ठीक है यहाँ तक।